सो किड्स नाउ लेट्स डू अनदर एक्टिविटी इन हिंदी सब्जेक्ट ओके आज हम क्या करने वाले हैं किड्स हम स्वर मिक्सिंग की एक्टिविटी करने वाले हैं इसमें आपको क्या करना है कि मैम आपको बहुत सारे स्वर मिक्स करके देंगी ओके okay? तो आपको पहले अपने स्वर का परिचय आपको स्वर की पहचान करनी है कि ये कौन सा स्वर है और मैम को बताना है ठीक है एंड देन आपको क्या करना है आपको पिक्चर रिकोग्नाइजेशन करनी है जैसे आप आ आम है ठीक है ये कौन सा स्वर है आ आम है तो आपको इसमें पिक्चर फाइन करना है कि आ आम से शुरू होने वाले कौन से चित्र हैं और वो आपको आ आम के पास रखने हैं ठीक है ओके सो के सो पेरेंट्स इफ़ यू हैव दीज कटआउट्स तो यू कैन यूज़ दिस एंड इफ़ यू डोंट हैव दीज कटआउट्स सो आप ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करो छोटे छोटे पेपर्स पे एंड देन आप एक पेपर पे आ अनार और आ, आम दो स्वर लिख दो और अपने किड्स को बोलो कि वो ये जो आप मिक्स पिक्चर्स ड्रॉ करोगे उसमें से चित्र पहचान कर अस्वर की चित्र अस्वर के सामने रखें और आ आम की आ आम के सामने ओके सो लेट्स स्टार्ट किड्स किड्स पहले हम क्या करेंगे पहले हम स्वर की पहचान करेंगे ठीक है तो हमको पहले करना है कौन सा स्वर है किड्स विच स्वर इज दिस आ अनार आ अनार तो हम आ, अनार यहाँ पर रखेंगे ओके एंड देन अ अनार के बाद कौन सा आता है आ आम आ आम ओके बाकी ये सुबह हम यहाँ से ये हटा देंगे देन अब किट्स हमारे पास ये बहुत सारे पिक्चर्स हैं मिक्सिंग पिक्चर्स हैं आपको क्या करना है जो असुवर से स्टार्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर पुट करने हैं एंड जो आ आम से स्टार्ट होते हैं वो आपको यहाँ पुट करने हैं ओके किट्स मैं वन बाय वन उठाऊंगी और आपको बताना है कि ये कौन सी चित्र है वॉट इज दिस आ आलू और ये कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है अ से तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे वॉट इज दिस येस ये ड्राई फ्रूट होता है किड्स और इसको हम क्या बोलेंगे अखरोट और अखरोट कौन से स्वर से स्टार्ट होता है अखरोट वॉट इज दिस आदमी और आदमी कहाँ पे हमें रखना है स्वर के पास वॉट इज दिस घर में आपकी रोज सुबह आता है ना न्यूज़ पेपर डेली आता है ना उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं अखबार और अखबार कौन से स्वर से स्टार्ट होता है अ वॉट इज यस ये भी फ्रूट है एंड कौन सा फ्रूट है आपने कलरिंग भी की थी अमरूद यस ओके okay. नाउ अभी हम देखते हैं मेरे पास कितने लेफ्ट है वॉट इज दिस आग और आग कौन से स्वर से है अदरक ओके सो so, किट्स हमने क्या किया हमने जो स्वर की स्वर की मिक्सिंग थी पहले हमने वो सॉल्व किया एंड देन हमने उनकी पिक्चर रिकोगनाइजेशन की तो अभी हम फिर से एक बार इनको रीड करते हैं अमरूद A akrot, a adrak, a akbar, or a alu, a admi, a aam, a aag. Okay, so parents, please draw on paper a anar or a aam. Okay, and if you have the pictures, you can use that. If you don't have the picture, then make small, small pictures of these words. And then uh, tell your ward to solve this mixing. Okay, so now kids do this activity. I will be back after some time.